खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन के गठन के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुक्रवार को जनपद चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ सभागार में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन के गठन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 27 वन पंचायतों की 56 स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। वरदान संस्था देहरादून एवं अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग कोपेश्वर चमोली के संयुक्त तत्व उस दिन आने की कोशिश भरपूर करिएगा 8 मार्च को गैटसैंड में, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। 8 मार्च हर साल आता है, सेशन भी हर साल चलता है, लेकिन जो योजना का उस दिन शुभारंभ करेंगे हम समूह को, ये बार बार मौके नहीं आते हैं। तो ये मौके का जरूर फायदा उठाइएगा आप लोग और आने की भरपूर कोशिश करिएगा, अपने क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल करिएगा। और सबका विश्वास आप पे है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग अपने मिशन में जो आपको दायित्व दिया जा रहा है या जो कार्य लोग आपके ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं तो आप उसमें खरा उतरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जो कि अभी इस परियोजना के बारे में मेरे को विस्तृत जानकारी तो है नहीं, सबसे बड़ा फर्ज है जिस प्रकार हमारे जो वातावरण में वायु शुद्ध होने के लिए और जलवायु को शुद्ध करने के लिए शुद्ध जलाशय और शुद्ध के माध्यम से अपने आर्थिकी को बेहतर। जो आज नारायण बगड़ ब्लॉक में आज की जो बैठक सहकारिता बैठक हुई, उस बैठक में मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। मैं अभी अपनी सभी बहनों का हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ तथा अपनी बहनों के लिए हमेशा आगे आने की कोशिश करूंगी। हमारा लक्ष्य मेन आर्थिक स्थिति को सुधारना रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो। अपने किसी भी उसके माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, जैसे किसी भी प्रकार के हमारे यहाँ जो ये अब आने वाले इसमें ये बुरा सब वेस्ट जाते हैं, जैसे उनको वो करके बीन करके उनका जूस निकाल करके हम अपनी आर्थिक स्थिति का वो कर सकते हैं, जैसे मशरूम का वो कर सकते हैं और कई हैं अन्य कई वो हैं जिसके माध्यम से हम अपनी महिलाओं का आर्थिक वो अच्छा कर सकते हैं। इस उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंध परियोजना में जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक में सहकारिता की जो मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने वन मेरे को उपाध्यक्ष के पद पे मेरी बहनों ने चुना, तो मैं उनका अभिनंदन करते हुए इस गठन के जो भी कार्यशालाएँ होती हैं, लाभान्ती मतलब बातें होती है, उसका पूरी तरह से उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश करूँगी और अपने पूरे होश हवास में अपने जितने भी हमारे साथ काम करने वाले और जो हमारे सपोर्ट करने वाले जितनी भी महिलाएं हैं इस समूह के लिए, तो उसे आर्थिक से लाभ देने की उनके लिए पूरी तरह से कोशिश करूंगी। सर, इसमें हम लोग जो है वरदान संस्था देहरादून से जायका एक कार्यक्रम है जिसके तहत आज लक्ष्मी नारायण स्वास्थ्य सहकारिता का गठन किया गया है और इस सहकारिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने स्थानीय उत्पादों का और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए समूह और सहकारिता को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी आर्थिकी को बेहतर बनाने, और इसमें दो विंग्स काम कर रहे हैं, एक तो अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग और दूसरा वरदान संस्था। और वरदान संस्था का जो मुख्य रोल है समुदाय के साथ उनकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य को सुदृढ़ बनाते हुए उनकी आजीविका को बेहतर करना, जिसके लिए उनको प्रशिक्षण एक्सपोजर और उनकी छोटी छोटी बचत, उनका व्यापार प्लान बनाना, उनका माइक्रो प्लान बना करके हमने शासन स्तर को भेज दिया, जिससे आगे आने वाले समय में समूह सहकारिता के माध्यम से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सुदृढ़ करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। जैसे कि अभी बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वन पंचायतों के माध्यम से जायका का जो काम गतिविधियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा, लेकिन देखा गया कि वन पंचायत के जो सरपंच लोग यहाँ दिखेने का क्या कारण होगा? सर, इसमें जो है कि वन पंचायतों में जो निर्माण काम किए जा रहे हैं इसका अलकनंदा भूमि संरक्षण के माध्यम से ही वन पंचायत और सरपंचों के माध्यम से निर्माण काम किए जा रहे हैं।
क्योंकि इसमें सरपंचों का रोल नहीं था, इसमें सिर्फ सहकारिता जो हमारे गांव स्तर पे जो 27 वन पंचायतें और 56 समूह के सदस्य हैं उन्हीं का एक सहकारिता गठन किया जाना था, जिसमें सरपंचों का नहीं था। इसमें सिर्फ समूह सदस्य जो समूह में सदस्य हैं गांव स्तर पे उन्हीं का यहां पे ब्लॉक लेवल पे एक सहकारिता का गठन किया गया। जायका योजना द्वारा अलकनंदा वन प्रभाग में दो तरह के काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें एक ERM मतलब इको रेस्टोरेशन मॉड्यूल के डेवलपमेंट पे वन पंचायतों में सरपंचों के द्वारा वनीकरण कराया जा रहा है, और साथ ही में आजीविका के सुधार के लिए वरदान संस्था द्वारा नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है, जिनका विगत कई वर्षों से कई 56 हमारे असीर सिमली रेंज में स्वयं सहायता समूह बने थे। आज उनके फेडरेशन के लिए जिसका नाम रखा गया है लक्ष्मी नारायण स्वयं सहायता समूह, उसका गठन हुआ है, और उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव और विभिन्न कई सारे पदों का में चुनाव हुए, और जिसमें पूनम देवी जी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। अभी हमारा जो जायका है उसमें एक उद्देश्य ये था कि हमारे जो NTFP जिसको बोला जाता है नॉन टिम्बर फॉर